एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज व्लॉग शुरू कर रहे हैं इवनिंग से और हम करेंगे आज कुछ चिट चैट विद फैमिली। हेलो गाइस, कैसे आप सब? तो आज हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है और सब ऑफिस से इस टाइम आ गए, शाम का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले बना लेते हैं इन सबके लिए चाय। तो चले चाय बनाने। तो यहाँ हमारी चाय एकदम रेडी हो गई है, तो सबसे पहले डाल लेते हैं इनमें चाय और दे देते हैं सबको। तो चाय हमारी रेडी है, तो दे देते हैं फटाफट से। लो अंकल जी चाय। तो 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा और आधे घंटे में टीवी लगाओ, सो गया मतलब वही चक्कर पड़ गया। आधा पौना घंटा में डेढ़ बजे तक सवेरे चाय आप पी रहे हो मेरे बिना कैसे चाय पी रहे हो आप? तो आप दोनों के लिए ये लिस्ट चाय, तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो चाय हैं? हाँ जी। तो यहाँ चाय पी रहे हम और सब इस टाइम थोड़ा सा शाम के टाइम गपशप का टाइम हो रहता है, तो वो करेंगे। उसके बाद हम डिनर की तैयारी करेंगे। आज देखते हैं डिनर में क्या बनेगा और फिर बस शाम का तो कुछ ऐसे ही रूटीन होता है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। आप इतना क्यों गिरते हो आप इतना बताओ? छोटा बच्चा हूँ ना, इसका नाम गिरुपड़ू है। तो और बताओ, आजा ले ले बिस्कुट, ले ले नमकीन, ले ले चाय पीऊंगी। तूने चाय तो बड़ी टेस्टी बनाई है, कैसे बनाई है? चाय तो मैं अच्छी बनाती हूँ, आपको पता है ना। बस रोज ऐसी सेवा कर दिया कर हमारी। हाँ, आपको तो मुफ्त की सेवा मिल रही है ना। तो क्या मालूम मैं तेरी? नहीं यार, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। हाँ। चाय की क्या बात कर दी। हाँ चाची, चाय कैसी बनी है? बहुत टेस्टी। कभी आप भी पिला दिया करो चाय। आ जाना, पिला दूंगी चाय। चाचू भी बोलते रहते बस पी ले प्रिया चाय पी ले, कभी आपने नहीं मुझे बोला कि आज प्रिया बेटा चाय पी ले। कल बुला लेगी ना तुझे चाय पे। कल चाय तो मेरी चाय कल आपके पास है। हाँ जी काका, क्या कर रहे हैं आप? काकू वो सुना दो, मछली जल की रानी है, सुना। बाहर निकालो मर जाती है। अरे हम सुनाते तेरे को, कर लो। आप कौन सी कहानी सुनाओगे? जब हम लोग काशी विश्वनाथ गए ना, तो वहाँ पे बड़ी लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन। लाइन से धक्के खाते खाते चले गए, कभी यूं घूमे कभी यूं। और मोदी जी ने इतना सुंदर वो बना रखा वहाँ पे, ऐसे ग्राउंड सा चबूतरा सा, मतलब जहाँ से सब दर्शन कर सके। हम लोगों ने दर्शन तो कर लिए बाहर से ऐसे शिवलिंग पर, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर पुजारी और वो फूल पत्ते ऐसे सारे इकट्ठे कर रहा है। तो हमने सोचा शायद ऐसे जल चढ़ा रहे होंगे। तो जब हमारा नंबर लगा ना वहाँ पे, तो क्या हुआ, पहले धीरज था, मेरे से आगे धीरज था, तेरे पापा, फिर भरत की फैमिली थी, फिर तेरे चाचा चाची थे, ये भी निकले, फिर धीरज था मेरे आगे। और जैसे उसे ऐसा धक्का दिया ना, मैंने बोला इसे क्यों दिया धक्का, और वो ना ऐसे धक्के से देते थे। तो मैंने बोला भाई अब तो धक्का लगेगा, ये तो पता नहीं अंदर क्या है ऐसा। जब मेरे को धक्का दिया ना ऐसे और अंदर देखा तो वो शिव का शिवलिंग, बस एक मात्र ही दर्शन हुआ। तेरी चाची को तो वो भी नहीं हुए हैं? नहीं हुए, नहीं चली। और निशु को नहीं हुए? निशु को तो एकदम ही ऐसा लग गया कि है ये धक्का कैसे लगा, वो लगी ना उनको देख, मतलब धक्का क्यों मारते हैं वहां पे ऐसे कि फटाफट चलो, चार होती है, चार लाइनें लगी होती है, कोई पूर्व से कोई पश्चिम से उत्तर दक्षिण, मतलब चारों दिशा से लाइनें हैं। कम से कम हम कोई 3-3 किलोमीटर लाइनों से चले तब जाके, और वहां जाके भी दर्शन बोलो तो ऐसे धक्के से ऊपर, चलो उस नगरी में चले गए, सबसे बड़ी बात तो वो थी। हाँ, और फिर क्या, प्रयागराज में बड़ा मजा आया हमारे, वहाँ तो बड़ा आनंद। और हम लोग गए जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती है, वहाँ बीच में गए, वहाँ करा हमने स्नान, बहुत आनंद आया। देखा हम फोटो दिखाएंगे तुझे। हाँ आप मुझे फोटो दिखाना, मैं शेयर करूँगी। हाँ अब आप क्या ले आए मैडम? इसको तो बेचारी को ऐसे धक्का लगा कि ये तो यही सोचती रहेगी कि है शिवलिंग था क्या था अंदर।
आपको पता नहीं चला था अंदर क्या है? ये तो अगर स्वामी आगे नहीं होता मैं ही होती तो मैं तो ये देखना था कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रिप का क्या प्लान है, कब का क्या कहाँ जाना है? जा रहे हैं हम अयोध्या। अयोध्या कब जाना है? अयोध्या चलेंगे, टिकट बनवाएंगे फिर चलेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर या तो द्वारिका चलेंगे या जगन्नाथपुरी। अभी पापा कहाँ का बोल रहे? कामाख्या माता बोल रहे जुलाई में चलने के लिए, तो सोचते हैं फिर। तो वो तो आप दोनों ही जाओगे ना? नहीं, अब चल पड़ेंगे, इनकी भी तो छुट्टियाँ हैं जून में, इन्होंने अब क्या करना, घर नहीं गए तो फिर वहाँ चले चल पड़ेंगे। तो मैं जा सकती हूँ इतनी गर्मी में? अभी बेबी भी छोटा है ना। वही तो बात है ना, छोटा है ना, फिर ये कि भाई मतलब कम से कम एक साल का हो जाए। हाँ। तो कुछ और बनाए, बच्चों की छुट्टियाँ जरूरी है भाई, इधर उधर घुमाने कहीं ऐसे जगह। काकू जाएगा घूमने नानी तो के साथ? अब तो नानी के साथ जाया करेगा, छारे जाएगा, अब तो नानी के साथ, नानी का बच्चू है ना। किसका बच्चा है सच बताओ, किसका है? मामा का भी है, नानी का भी है, नानी सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो ये था हम सबका इवनिंग का टाइम जहाँ पे हम सब चाय पीते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं और जो जो जिसका जिसका सारे दिन में जो जो चीज़ हुआ वो बताते हैं, और जो ऑफिस वाले होते हैं उनकी बातें सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो चाय पीने के बाद अब कट कर लेते हैं सब्जी, तो बना रहे हैं गोभी की सब्जी, तो फटाफट से सब्जी कट कर लेते हैं। रुको रुको चुप। तो गाइस मैं तो कुछ और ही बनाऊंगी, बट ये मैं अपनी भाभी की हेल्प करा रही हूँ क्योंकि इनके आज गोभी बनेगी, तो इसने कहा मुझे कि दीदी प्लीज़ कट कर दो, तो मैं हला ठीक है, तो ऐसी हेल्प करनी पड़ती है और करानी भी चाहिए सबको। पहले तो आप हमें ये वाली कॉलीफ्लावर खाने नहीं देते थे। वो बेटा इसलिए ना कि बोलते थे कि इसमें ना कीड़ा होता है जो मतलब दिमाग में घुस जाता है, तो फिर यही डर लगा रहता था, है छोटे छोटे बच्चे कहीं इनको कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं कभी नहीं बनाती थी। तो अब लगे बनाने ये लोग, नहीं तो मैं नहीं बनाती थी कभी नहीं, इसी करके कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना। तो ठीक है, चलती हूँ मैं अब, थैंक यू फॉर योर टी। चलो बना ले अपना खाना टाइम से ना, और हम भी काट लेते, फिर मैं पूजा कर लेती हूँ, मेरे पूजा का टाइम हो रहा है। ठीक है फिर आ जाना। हाँ ऊपर आओगे? ऊपर आऊँगी मैं अभी थोड़ी देर में, 10 बजे आऊँगी। 10 बजे क्यों? फिर सारा काम करके काना जी को सुला सुलू के खाना खुना भोग भाग लगा के सब कुछ करके फिर आऊँगी थोड़े टाइम के लिए। थोड़ा सा वो आजकल हम देख रहे हैं डोरी। हाँ वो देखेंगे। अरे वो तो वही छूट गया था बीच में, फिर मेरे को तो लाइट चली गई थी ना। हाँ फीवर हो गया था बहुत तेज, लाइट भी चली गई थी, फिर आपको नींद आ गई थी, फिर मैंने दोबारा चलाया नहीं, मतलब इकट्ठे। और मेरे को पता नहीं चला कि मेरे को नींद आई, मुझे तो लग रहा था जैसे मैं जागी हूँ बिल्कुल ही। नहीं आपको नींद आ गई थी, खराच दे रही होगी ना। चल ठीक है जा बना बेटा, टाइम से बना अपना खाना, बना फिर टाइम से फ्री हो उसको भी देख, छोटे बच्चे को ना, बच्चे का पहले। चलो ठीक है, ठीक है ना, ओके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके, आधी कट मैंने कर दी, आधी कट आपने कर दी। हाँ हो गए, फिर निशु छोंका लगा लेगी। एक बना लेंगे, एक ही मचली खैरू बना लेंगे अपना। ठीक है, खैरू क्या निशु बनाएगी? निशु बना लेगी क्योंकि मक्की की रोटी भी बनाएंगे ना, तो मक्की की रोटी और वैसे तो साग भी है बना हुआ दिन का, पर चल साग और मक्की की रोटी खाने तो वैसा नहीं, तो खैरू बनाएंगे और ये थोड़ी सब्जी हो जाएगी। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा गाइस एक बात और बताऊं, कल है कुछ स्पेशल डे और उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारी वीडियो में कि कल क्या है। तो ये थी हमारी कुछ चिट चैट इन इवनिंग एट द होम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।